जीके विथ एम में आप सबनु स्वागत छे। मित्रों आजना वीडियो में आप नवी निमणूको जोईशू 2022 जे हाल में नवी नवी निमणूको थई छे ते जोईशू। आवनार परीक्षा माटे आ मोस्ट टाइमपी रहेशे। कोईपण परीक्षानी तमे तैयारी करता होय आ वीडियो तमारा माटे मोस्ट टाइमपी छे। आपणे अहीं सिलेक्टेड प्रश्नों लीधेला छे के जे वारंवार परीक्षाओं में पूछाता होय। ए सिवाय आपणे फोटा साथे जोईशू जेथी तमे सरळताथी याद राखी शको। जोईए सौ प्रथम छे भारतना नवा राष्ट्रपति कोण बन्या छे? द्रौपदी मुर्मू बन्या छे। 15मा नंबरना आ राष्ट्रपति छे अने बीजा महिला छे के जेओ राष्ट्रपति बन्या होय। प्रथम छे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल अने बीजा छे द्रौपदी मुर्मू। अने प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति पण द्रौपदी मुर्मू छे, तो याद राखवू। एना पछी छे भारतना नवा सीजेआई एटले के सुप्रीम कोर्टना मुख्य न्यायाधीश कोण बन्या छे? उदय उमेश ललित। आ छे उदय उमेश ललित, यूयू ललित तरीके पण तेमने ओळखवामां आवे छे। तो ऑप्शन जोई अने तमारे ए रीते जवाब आपवानो रहेशे। पूछे सीजेआई कोण छे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोण छे, तो उदय उमेश ललित। भारतना मुख्य न्यायाधीश कोण छे, तो पण यूयू ललित। अने पूछे सुप्रीम कोर्टना वर्तमान मुख्य अध्यक्ष कोण छे, मुख्य न्यायाधीश कोण छे, तो उदय उमेश ललित। आगळ जोईए भारतना नवा उपराष्ट्रपति कोण बन्या छे? जगदीप धनखड़ बन्या छे। आ छे जगदीप धनखड़, 14मा नंबरना तेओ उपराष्ट्रपति छे ते बन्या छे। एम वेंकैया नायडूनुं तेमणे स्थान लीधेलुं छे। पूछवामां आवे वर्तमान राज्यसभाना अध्यक्ष कोण छे, तो ध्यानमां राखवुं जगदीप धनखड़, केम के जे उपराष्ट्रपति होय ते राज्यसभाना अध्यक्ष पण હોય છે હોદ્દાની રૂએ। આર્મી ચીફ કોણ બન્યા છે? લેફ્ટનન્ટ જનરલ મનોજ પાંડે। આ છે મનોજ પાંડે, જે વર્તમાન આર્મી ચીફ એટલે કે આર્મીના અધ્યક્ષ છે। અને આર્મીના અધ્યક્ષ ઘણી વખત પૂછાતા હોય છે, તો યાદ રાખવું। એના પછી છે હજ સમિતિના નવા અધ્યક્ષ કોણ બન્યા? કેપી અબ્દુલ્લા કુટ્ટી। હાલમાં જ નિમણૂક થયેલી છે, તો યાદ રાખવું હજ સમિતિ કેપી અબ્દુલ્લા કુટ્ટી। डिजिट इंश्योरेंस ना एमडी अने सीईओ कोण बन्या छे? जसलीन पहेली। आ छे जसलीन पहेली। भारतना नवा मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कोण बन्या छे? प्रोफेसर अजय कुमार सुद। डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस कोण बन्या छे? मिलिट्री ऑपरेशन ना डायरेक्टर जनरल बनेला छे लेफ्टनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार। कठोर अने अनाज एसोसिएशन ऑफ इंडिया एटले के आईपीजीए ना नवा अध्यक्ष कोण बन्या छे? बिमल कोठारी। आ छे बिमल कोठारी। लघुमती आयोग ना नवा अध्यक्ष कोण बन्या छे? इकबाल सिंह लालपुरा। आ छे इकबाल सिंह लालपुरा। G20 ना भारतना मुख्य संयोजक कोण बन्या छे? हर्षवर्धन श्रृंगला। आ छे हर्षवर्धन श्रृंगला। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी ना अध्यक्ष कोण बन्या छे? डॉक्टर मनोज सोनी। खास याद राखू मोस्ट टाइम पी छे गुजरातना प्रथम व्यक्ति के जेओ यूपीएससी ना अध्यक्ष बन्या होय। यूपीएससी नुं पूरुं नाम शुं थशे? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आईएएस आईपीएस आईएफएस बनवुं होय तो यूपीएससी पास करवी पड़े। તેના અધ્યક્ષ કોણ છે? મનોજ સોની, પ્રથમ ગુજરાતી છે, ખાસ યાદ રાખવું। નવા વિદેશ સચિવ કોણ બન્યા છે? વિનય મોહન ક્વાત્રા। પેમેન્ટ કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયા પીસીઆઈના નવા અધ્યક્ષ કોણ બન્યા છે? વિશ્વાસ પટેલ। દિલ્હી મેટ્રો રેલ કોર્પોરેશનના નવા મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર એટલે કે એમડી કોણ બન્યા છે? વિકાસ કુમાર। આ છે વિકાસ કુમાર। આ છે દિલ્હી મેટ્રો। ફોરેસ્ટ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટના નવા ડિરેક્ટર કોણ બન્યા છે? રેણુસિંહ। આ છે રેણુસિંહ। આ છે ફોરેસ્ટ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ। ઓઇલ ઇન્ડિયા લિમિટેડના ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર કોણ બન્યા છે? રણજીત રથ। આ છે રણજીત રથ। નેશનલ ફાઇનાન્શિયલ રિપોર્ટિંગ ઓથોરિટી એટલે કે એનએફઆરએના અધ્યક્ષ કોણ છે? અજય ભૂષણ પાંડે। હાલમાં જ તેમની નિમણૂક કરવામાં આવી છે।
इन्स्योरेंस रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया एटले के ईडाना प्रमुख कोण बन्या छे? देवाशीष पांडा, आ छे देवाशीष पांडा। टेलिकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट अने एपेलेट ट्रिब्यूनल एटले के टीडीएसएटी ना चेयरमैन कोण छे? जस्टिस डीएन पटेल, आ छे डीएन पटेल। सेबी ना नवा चेयरमैन कोण बन्या छे? माधवी पुरी बुच। खास याद राखू प्रथम महिला छे के जे सेबी ना नवा अध्यक्ष बन्या होय। सेबी नु फुल फॉर्म शुं थाय? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। भारत में जेटली पण शेरनी लेवड़देवड़ अथवा तो शेर ने लगती जे पण माहिती छे ते बधीने हेन्डल कोण करे छे? सेबी करे छे। तो याद राखू माधवी पुरी बुच। एशियन क्रिकेट काउंसिल ना प्रमुख कोण बन्या छे? जय शाह बन्या छे, अमित शाह ना पुत्र छे। टाटा कंसल्टन्सी ना मैनेजिंग डिरेक्टर अने चीफ एक्जीक्यूटिव कोण बन्या छे? राजेश गोपीनाथ। फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस ना नवा सीईओ छे? प्रशांत झवेरी। बजाज आलियांस जनरल इंश्योरेंस ना सीईओ कोण बन्या? तपन सिंघल। एयरफोर्स एकेडमी ना कमांडेंट कोण छे? एयर मार्शल बी चंद्रशेखर। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एटले के सेबी ना नवा सभ्य कोण बन्या छे? अश्विनी भाटिया। कोलगेट पामोलिव इंडिया ना एमडी अने सीईओ कोण छे? प्रभा नरसिम्हन, आ छे प्रभा नरसिम्हन। संजीव कपूर छे ते जेट एयरवेज ना नवा सीईओ बनेला छे, संजीव कपूर। एलआईसी म्यूचुअल फंड ना मैनेजिंग डायरेक्टर अने सीईओ एमडी अने सीईओ कोण बन्या? टीएस रामकृष्णन बन्या छे। सीबीएसई ना नवा अध्यक्ष कोण बन्या छे? विनीत जोशी, सीबीएसई ना नवा अध्यक्ष। बेडमिंटन डबल्स ना कोच कोण बन्या? टेन किम हर, आ छे टेन किम हर। आगळ જોઈએ। વડાપ્રધાનની આર્થિક સલાહકાર પરિષદના નવા સભ્ય કોણ બન્યા છે? સંજીવ સાનિયાલ, આ છે સંજીવ સાનિયાલ। આર્થિક વિકાસ સંસ્થાના ડિરેક્ટર છે ચેતન ઘાટે। આરબીઆઈના ડિરેક્ટર કોણ છે? સંજય મલ્હોત્રા। आरबीआई ना अध्यक्ष कोण छे? शक्तिकांत दास। खास याद राखू आगळना वीडियो में ये पण आपणे जोयेलू छे, पण डायरेक्टर पूछे तो संजय मल्होत्रा नाम याद राखू, फोटो पण तमे जोई शको छो। प्रथम राष्ट्रीय दरियाई सुरक्षा संयोजक कोण छे? जी अशोक कुमार, आ प्रथम छे याद राखू, राष्ट्रीय दरियाई सुरक्षा संयोजक जी अशोक कुमार। डिफेन्स इंटेलिजेंस एजेंसी ना डायरेक्टर जनरल कोण छे? लेफ्टनेंट जनरल जीएवी रेड्डी। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया एटले के आईबीबीआई ना अध्यक्ष कोण छे? रवि मित्तल। आईडीबीआई बैंक ना मैनेजिंग डायरेक्टर अने चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफिसर कोण छे? राकेश शर्मा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ना महानिदेशक कौन बनिया छे? मदन मोहन त्रिपाठी। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया एटले के टीटीएफआई ना नवा प्रमुख कौन छे? गीता मित्तल, लेडीज छे, खास याद राखू। एयर इंडिया ना नवा सीईओ अने एमडी कौन बनिया छे? इलकर आईसी। मद्रास हाईकोर्टना नवा मुख्य न्यायाधीश कोण बन्या? मुनीश्वरनाथ भंडारी, हालमां निमणूक थयेली छे, खास याद राखू। कृषि अने खेडूत कल्याण विभागना नवा कृषि सचिव कोण बन्या छे? मनोज अहुजा।
नाणाकीय सेवाओ विभाग नवा सचिव एटले के DFS कोण बन्या छे? संजय मल्होत्रा। टाटा सन्स नवा चेरमेन कोण बन्या छे? N चंद्रशेखर। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC ना नवा अध्यक्ष कोण बन्या छे? S किशोर। SSC ना नवा अध्यक्ष स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, याद राखू, S किशोर। फाइजर इंडिया ना नवा चेयरमैन कोण बन्या छे? प्रदीप शाह। आ छे प्रदीप शाह। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ना नवा डायरेक्टर कोण बन्या छे? उन्नीकृष्णन नायर। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ना नवा डायरेक्टर। मुख्य आर्थिक सलाहकार कोण छे भारत ना? डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। आ छे डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। इसरो ना नवा अध्यक्ष कोण बन्या छे? डॉक्टर एस सोमनाथ। आ छे डॉक्टर एस सोमनाथ। आनी पहला के सिवन हता, तेमनुं स्थान हमने लीधेलू छे। इसरो नुं फुल फॉर्म तमारा कॉमेंट बॉक्स में जणावानुं छे। भारतीय ऐतिहासिक संशोधन परिषद ICHR ना प्रमुख कोण बन्या छे? डॉक्टर रघुवेंद्र तंवर। रेलवे बोर्ड ना नवा अध्यक्ष कोण बन्या छे? विनय कुमार त्रिपाठी। आ छे विनय कुमार त्रिपाठी, रेलवे बोर्ड ना नवा अध्यक्ष, खास याद रखो। भारतीय कोस्ट गार्ड ना महानिदेशक कोण छे? VS पठानिया। केटलामा नंबर ना छे? 24मा नंबर ना छे। ઓઇલ એન્ડ નેચરલ ગેસ કોર્પોરેશન એટલે કે ONGC, ONGC નું પૂરું નામ પણ ઘણી વખત પૂછાયેલું છે, ખાસ યાદ રાખવું। ઓઇલ એન્ડ નેચરલ ગેસ કોર્પોરેશન ના નવા ચેરમેન બન્યા છે અલકા મિત્તલ। આ છે અલકા મિત્તલ। નેશનલ મિશન ફોર ક્લીન ગંગા, ગંગાને સાફ કરવા માટેનું જે મિશન છે તેના ડાયરેક્ટર જનરલ કોણ બન્યા છે? જી અશોક કુમાર। इफ्को ना नवा अध्यक्ष कोण बन्या छे? दिलीप संघाणी। कमिशन फॉर एग्रीकल्चर कोस्ट एंड प्राइज ना नवा अध्यक्ष छे? विजयपाल शर्मा। हिंदुस्तान पेट्रोलियम એટલે કે HP કોર્પોરેશન લિમિટેડ ના ચેરમેન કોણ બન્યા છે? પુષ્પકુમાર જોશી। सशस्त्र सीमा बल SSB ना महानिदेशक कोण बन्या छे? संजीव अरोरा। एमने वधारानो चार्ज आपवामां आवेलो छे। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट ना डायरेक्टर जनरल छे CP गोयल। आ छे CP गोयल। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC, UGC नुं पूरुं नाम पण पूछाय छे, याद राखवू। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ना चेरमेन कोण बन्या छे? M जगदीश कुमार। આ છે એમ જગદીશ કુમાર। આગળ જોઈએ, નેશનલ કાઉન્સિલ ઓફ એજ્યુકેશન, એજ્યુકેશનલ રિસર્ચ એન્ડ ટ્રેનિંગ NCERT ના નિયામક કોણ બન્યા છે? દિનેશ પ્રસાદ સકલાની। આ છે દિનેશ પ્રસાદ સકલાની। એર ઇન્ડિયાના ચેરમેન અને MD કોણ બન્યા છે? વિક્રમદેવ દત્ત। આ છે વિક્રમદેવ દત્ત, એર ઇન્ડિયાના ચેરમેન અને MD, ખાસ યાદ રાખવું। એપેરેલ એક્સપોર્ટ પ્રમોશન કાઉન્સિલના ચેરમેન કોણ બન્યા છે? નરેન્દ્રકુમાર ગોયંકા। US ઇન્ડિયા બિઝનેસ કાઉન્સિલ USIBC નવા પ્રમુખ કોણ બન્યા છે? અતુલ કેશપ। આ છે અતુલ કેશપ। હવે તમારી ટેસ્ટ, જે આપણે વિડીયો જોયો તેમાંથી તમને પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે છે, જેના જવાબ તમારે કોમેન્ટ બોક્સમાં આપવાના છે। જોઈએ, ભારતના નવા ઉપરાષ્ટ્રપતિ કોણ બન્યા છે? ચાર ઓપ્શન આપેલા છે, તેમાંથી તમારો જવાબ આપવાનો છે। બીજો પ્રશ્ન છે, સુપ્રીમ કોર્ટના નવા મુખ્ય ન્યાયાધીશ કોણ બન્યા છે? ચાર ઓપ્શન છે, એમાંથી જવાબ આપવાનો છે। એ સિવાય ત્રીજો પ્રશ્ન પણ ખાસ પૂછી લઉં, ભારતના પ્રથમ આદિવાસી રાષ્ટ્રપતિ મહિલા કોણ બન્યા છે? કમેન્ટ બોક્સમાં એનો જવાબ આપી દેજો, એ પણ આમાંથી ઓપ્શનમાં આપેલા છે। तो मित्रों आ तो वीडियो, जो वीडियो पसंद आयो तो लाइक करो, कमेंट करो, तमारा बधा मित्रों ने वीडियो शेयर करो कि जो आवनार परीक्षा की तैयारी कर रहा है। चेनल पर नवा हो चेनल ने सब्सक्राइब न करी हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल ने प्रेस कर दो, जेथी रोजे रोज आपने नवा नवा वीडियो मळता रहे।
आ चेनल पर घना बदा विडियो अवेलेबल है, तमे चेनल ना नाम पर क्लिक करी विडियो में जो बदाज विडियो जोई सको छो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।